दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनु त्रिपाठी। आज काफी दिनों के बाद हम आपके बीच में और चर्चा करेंगे और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार हमारा चैनल ग्रामीण प्रहरियों के लिए काम कर रहा है, यानी चौकीदारों के लिए काम कर रहा है, क्योंकि एक गरीब विभाग है और बहुत ज्यादा परेशान विभाग है। तो आज भी हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। गले की वजह से मैं ज्यादा लाउडली नहीं बोल पाऊंगा और ना ही तेज बोल पाऊंगा। आज हमारी चर्चा ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के मैं मैसेज देखता हूं व्हाट्सएप पे, अक्सर वो कहते हैं कि क्या हमारी आवाज योगी जी तक पहुंच रही है। तो हमारा आंसर ये होगा कि आपकी आवाज किसी जमाने में सरकार तक पहुंची थी, लेकिन अब नहीं पहुंचती। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंच रही है, और जो लोग फर्जी अफवाह फैला रहे हैं इनसे पहले तो आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सारी अफवाह है। किसी भी तरह से मुख्यमंत्री जो ट्विटर हैंडल होता है या गूगल पे भी, उनकी साइट पे भी कोई भी किसी भी तरह का कोई अपडेट ग्राम प्रहरियों का भी नहीं मिला है और ना ही आया है। लेकिन जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं उनसे सावधान होने की आवश्यकता है। आपको फ्रॉडों से थोड़ा सावधान रहें, जो आपको चाहे वो किसी का भी चैनल हो, कोई भी चैनल हो। लगातार मैं देखता हूं कई ऐसे चैनल हैं जिसपे टाइटल लिख देते हैं कि ग्रामीण प्रहरियों का हुआ उद्धार, खुशखबरी। ग्रामीण प्रहरी बेचारे उस पर क्लिक करके देखते हैं, लेकिन उसमें होता कुछ और है। इस तरीके के जो सिस्टम है मैं इनका बहिष्कार करता हूं, और साथ साथ मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ थोड़ा आप काम करना सीखिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लगातार आपको बेवकूफ बनाने का काम करते रहते हैं। आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग आंख बंद किए और पहुंच जाते हैं कि डीएम महोदय को ज्ञापन दे आते हैं कि किसी को ज्ञापन दे आते हैं। आपको बता दूं कि आपका ज्ञापन वहीं के वहीं फाग के डस्टबिन में डाल दिया जाता है, वो कोई भी ज्ञापन ऊपर नहीं भेजा जा रहा। इस बात को मैं आपको पुष्टि कर देता हूं ठप्पा मार के। अब इससे ज्यादा आपको सत्य और सही जानकारी नहीं दे सकता। आपके और भी चैनल हैं, शायद आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे चैनल से देखते होंगे, उन चैनलों पर हो सकता है आपको इस तरीके की जानकारी और अपडेट आपको नहीं मिलता होगा, लेकिन मेरा काम यह है कि मैं हर एक जानकारी को निकालता हूं। आपको बता दूं कि आप जाकर के देख करके आते हैं ज्ञापन, उस ज्ञापन को वहीं के वहीं रखा रहता है, या तो डस्टबिन में डाल दिया जाता है या वो कूड़े खाने में पड़ा रहता है, लास्ट में वो रद्दी में बेच दिया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग जो भी ये काम कर रहे हो, बहुत ही घटिया काम कर रहे हो, इसके लिए मैं आपको यही बात बोलूंगा, क्योंकि ये ज्ञापन यापन आप लोग जमानों से दे रहे हैं, अंग्रेज जमानों से आप गुलामी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई और कुछ नहीं हुआ, तो इसका क्या कारण हो सकता है? जरा सोचो, आप सोचिए, खुद दिमाग से सोचिए, मेरी मत सुनिए, मेरी मत मानिए अगर नहीं भरोसा है तो, लेकिन दिमाग से सोचिए कि अगर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है तो सीधे तौर पर यही फंडा है कि जो आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं वो ज्ञापन वही डस्टबिन में कूड़े में पड़ा हुआ है, वो ज्ञापन आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। कुछ चैनल तो ऐसे भी हैं कि वो चैनल बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चौकीदारों के जो नेता हैं, और नेता भी उन चैनलों के पीछे पगला चुके हैं बहुत बुरा तरह, बहुत बुरी तरीके से। वो उनको बोलते हैं मैं फलाने से मिलवा दूंगा, फलाने के साथ ये करवा दूंगा, मैं कम से कम 6 महीने से ऊपर से सुन रहा हूं, लेकिन अभी तक कुछ भी नजर नहीं आया। आप जरा सोचिए किस तरह से चौकीदारों को गुमराह किया जा रहा है। और मुझे इस बात का खेद है, कष्ट है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आखिर अंधी क्यों हो गई, क्यों चौकीदारों का उत्थान नहीं कर। इसके दो कारण हैं। एक तो कारण है कि आप लोगों में ये नहीं है, मतलब जिसको बोलते हैं ना साथ, एकजुटता, वो नहीं है। भिन्न भिन्न तरीके से आप बटे हुए हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम, अगर आपकी समस्या सरकार तक जाती है तो सरकार सोचती है कि जब यहां पर 70,000 में से 50,000 सोए हुए हैं तो 20,000 के लिए वही वो क्यों काम करेंगे, जरा बताइए आप लोग। इसलिए सरकार को दोष मत दीजिए, दोष आप अपने विभाग को दीजिए। अपने आप को देखिए, अपने अंदर झांक कर देखिए कि आखिर आप गलती कहां कर रहे हैं और ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है।
ये जो आपके साथ पीछे के जो विभाग थे जिन्होंने आपके बाद आंदोलन किए उनका काम हो गया, क्यों, क्या कारण था, क्यों? तो कहीं ना कहीं इस कारण को समझने का प्रयास करिए। आप लोग बोलते हैं कि अन्नू भैया क्या हुआ, हमारे पास फोन करते रहते हो, बार बार फोन करते हो, मेरे पास फोन करने से क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, ये बताइए। जब आप लोग ही एक साथ नहीं आ पा रहे हो प्लेटफॉर्म पर, जब आप लोग ही एकजुटता नहीं ला पा रहे हो और एक मिशन पर नहीं चल पा रहे हो, तो चाहे अन्नू त्रिपाठी आ जाए, चाहे खुद भगवान नीचे उतर कर आ जाए, कुछ नहीं हो सकता। ये तब संभव है। आज के जमाने में अगर मैं बात करूं, अगर आप ये सोचते हो कि काम मेरा होगा या नहीं होगा, तो पहली बात तो ये सोचना बंद कर दीजिए। आज के जमाने में सब कुछ संभव है, असंभव कुछ ही नहीं है। बस ये फेर है आपका सोचने का, और अपने नजरिए को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करिए, अपने आप को बदलने का प्रयास करिए, देखिए आपको सफलता मिलती ही नहीं मिलती। एक सफल व्यक्ति को तप करना पड़ता है, सोने की तरह तपना पड़ता है, तब जाके उसे सफलता मिलती है। तो आप भी तप तो करते हैं पर बुद्धि से बुद्धिहीन हो जाते हैं, जिस वजह से आपको हार का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि सबसे पहले चाहे वो कोई भी संगठन हो, एक्स वाई जेड, में हर संगठन की बात कर रहा हूं, सबसे पहले संगठन के पदाधिकारी एक साथ बैठे, मीटिंग करें, एक साथ सारे संगठन एकत्रित हों, एक प्लेटफॉर्म पर हों और अपने मुद्दे एक साथ बनाएं और उन्हीं मुद्दों पर मिलकर सारे संगठन काम करें, तो ये आपका मामला संभव 110% माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे भिन्नता से रहेंगे और इधर उधर ज्ञापन देंगे तो कुछ नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखें। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि काफी दिनों के बाद आज हम आपके बीच में बहुत ही सिंपल और सही तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास किया कि ताकि आपको समझ में आ सके। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर चाहते हो कि इसी तरह से आपको मैं गाइड करूं, आपको समझाऊं, और शायद हमारे इस वीडियो से, मैं जानता हूं कि लगभग 80% लोगों को इस वीडियो से लाभ अवश्य मिलेगा, उन्हें एक अंदर से खुशी महसूस होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वीडियो से आप बहुत कुछ अपने अंदर एक बदलाव ला सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस वीडियो को ज्यादा से संख्या में शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अन्नू त्रिपाठी।